नमस्ते, आज मैं 8th क्लास का आपको टारगेट देना चाह रहा हूँ। पेट पार्ट 3 बस की यात्रा हरिशंकर परसाई का है, पेज नंबर 21, 6th और 7th टारगेट में आपको लिखना है। लेखक ने ऐसी बस से यात्रा क्योंकि लेखक को दूसरे दिन सुबह काम पर हाजिर होना जरूरी था, इसलिए वापसी का यही बस वाला रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक क्या है, सवेरे काम पे उसको वहाँ रहना जरूरी था, इसलिए उसको क्या है यही बस से वहाँ पर जाना जरूरी था। इस बस से सुविधा ये थी कि इस बस से शाम को रवाना होने पर जबलपुर की ट्रेन चढ़ी जा सकती है, तो इस बस से यह फैसिलिटीज़ थी कि इस बस से अगर शाम को गए तो जबलपुर गए तो फिर वहाँ पर ट्रेन से उसको जबलपुर जाना था और सुबह सुबह घर पहुँच जाने की पूरी संभावना हो जाती थी और सुबह सुबह वो अपने घर भी पहुँच जा सकता था, जो बेहद ज़रूरी भी था। अतः लेखक ने ऐसी बस यात्रा करनी चाहिए, इसलिए वह ऐसी बस यानी पुरानी बस से जाना ही चाहा। 7th बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी क्योंकि बस की हालत ही कुछ ऐसी जान पड़ रही थी। बस दिखने में वयोवृद्ध थी, यानी बस वयोवृद्ध यानी बूढ़ा, यानी बहुत पुरानी बस थी। उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी। उस बस पर ऐसे ऐसे निशान दिखाई दे रहे थे जो उस बस के अपूर्व अनुभवों को बता रहे थे। यानी बस में इतने मार लगे थे, इतने वहाँ पर चिन्ह थे जिससे कि पता चलता है कि ये बहुत पुरानी हो गई है, क्योंकि ऐसी वृद्धावस्था में लोग इस पर चढ़ेंगे तो सफ़र करेंगे तो इसे बड़ी तकलीफ़ होगी। लेखक कहते हैं कि अगर इतनी पुरानी बस पे अगर चढ़ेंगे तो बस को बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि जो बस पूजा करने लायक हो उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी जो बस इतनी ख़राब थी, इतनी पुरानी थी कि उसको यात्रा करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें यात्रे जा रहे हैं। यही बात उनके मन में बार बार आ रही थी। यही बात क्या है, लेखक के मन में बार बार आ रही थी। लेखक ने ऐसी बस से यात्रा क्योंकि लेखक को दूसरे दिन सुबह धन्यवाद। दो आंसर ये पढ़ के टारगेट में लिखो। धन्यवाद।